आज तो ये चुड़ैल पक्का हमसे उठक बैठक करवाएगी। शिव जी हमारी रक्षा कीजिए। रिक्शा 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 अमर रुको रिक्शा। अरे क्या हुआ? अरे बताओ तो क्या हुआ वहाँ? क्या चल शूटिंग? नहीं नहीं देर हो गई। अरे कर लेंगे थोड़ी ज्यादा उठक बैठक। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि बिजली डांसर्स के साथ ना एंट्री करती है और चारों तरफ रोमांस का भरपूर माहौल है और म्यूजिक के साथ साथ जब डांसर्स बाहर जाते हैं बस वहीं पे हीरो की एंट्री होती है। समझ गए? ओके चलो रेडी है सब। चलो चलो लाइट्स रेडी करो। चलो चलो जल्दी भी चलो लाइट्स। अरे हटाओ मैं जाने दो। एंट्री कार्ड कहाँ है आपका? अरे कहाँ का एंट्री कार्ड? हम पुलिस से पुलिस हटाओ। अरे मैडम क्या है ना आप जैसे बहुत लोग पुलिस बन के घूमते हैं यहाँ पर। शूटिंग चल रहा है ना यहाँ पर। अबे ये देखो ये देखो हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह महिला पुलिस थाना। समझ गए? हट जाओ। सुन सुन छोड़ो 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 छोड़ो। शूटिंग की परमिशन थी? हमको नहीं मालूम। अरे क्या हमको नहीं मालूम? अरे अरे यार अरे यार रवि तो समझ के रखा है कि बस कर रहे हैं टिप्टी बस कर सोने दे। मेरा बिल्लू निवास ठीक हो रहा है। डिजास्टर मैनेजर मैनेजमेंट को बुलाओ। मेरा बिल्लू निवास वहां जा रहा है। अरे डिजास्टर मैनेजमेंट को बुलाओ। कहां गया वो नवाब शाही बुढ़ा? फवारा खुलवाना चाहता था शाही फवारा। यहाँ देखो शाही शॉवर खुला है। तो अच्छा है ना दैत्यों के सम्राट कम से कम इसी बहाने तुम नहा तो लेगा। कितना इनसेंसिटिव है चीते तू। ये बेचारे बिल्लू जी की हालत इतनी ज्यादा खराब है और तुम मजाक बना रहे हो उनका। ये तेरे घर की छत से कभी पानी नहीं टपका है ना तो तुझे एहसास भी नहीं होगा। ये तू मुझसे पूछ। आज भी डेली जब वो ऐसे टपक टपक की आवाज आती है गूंजती है ना मेरा दिल करता है कि मैं जितने भी दुनिया में जितने भी नल है ना वो सारे ऐसे उखाड़ दूं। मैं जितनी भी प्लम्बर है ना सब इससे बदला लूं। मैं मेरा ऐसा दिल करता है। बाप रे बाप सुपर्ब संतोष जी सुपर्ब। क्या पंप उखाड़ा संतोष जी आप तो एकदम सीरियल प्लम्बर किलर बन गए हो। चुप ना दो मिनट चुप ना। यही वजह है ना संतोष जी कि आप हमसे पूरा पूरा रात बात करती हैं। और नहीं तो क्या? क्योंकि आपको नींद नहीं आता रात में है ना। हाँ। तो हम भगवान से प्रे करें कि जितनी जल्दी हो सके ना आपके घर का ना नल ठीक हो जाए संतोष जी। हाँ, ताकि तुझे मुझसे राहत मिले है ना। डेली बात करते करते तू बोर हो जाता है। इतना पकाती हूँ मैं तुझे है ना। नहीं नहीं संतोष हमारे कहने का मतलब यही नहीं था। तेरे कहने का मतलब यही था। करेक्ट पकड़ा है। रुक रे चमकीला चमगादड़ तुमको देखते हैं। नहीं संतोष जी हमारे कहने का मतलब ये था ना कि हमको इस बात का डर लगता है ना कि कहीं आपका नल टपकते टपकते ना आपके छत पर सीलन ना लग जाए और भगवान ना करे गलती से अगर आपका छत गिर गया तब तक आपको दिक्कत हो सकता है ना। तो हमको आपका फिक्र हो रहा था। हम आपके लिए बोल रहे थे। बाप रे संतोष जी आपके फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोच रहा है। ये नेगेटिव बंदा है इसको छोड़ दो। इनकी छत को छोड़ो मेरी छत को देखो कभी भी टपक सकती है। छत टपक जाएगी तो मैं टपक जाऊंगा। कुछ करो इसका लीकेज बंद करो। शाही बुड्ढे को बुलाओ। चुप ना यार चुप। बिल्लू जी कुछ नहीं होगा। चार साल से हम डिपार्टमेंट से पैसे मांग रहे ताकि थाने की छत रिपेयर कर पाए तो हमें वो भी पैसे नहीं मिल रहे तो आपका बिल्लू निवास तो आप भूल ही जाओ। पहले अमर सर की वजह से मैं बिल्लू निवास में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। अब देखो प्रवेश किया है तो अमर होने जा रहा है मेरा बिल्लू निवास। क्या अमर से कब पाला छूटेगा रे मेरा? हाँ रुको रुको एक सेकंड। एक सलूशन है मेरे पास। क्या है? अब वही करो जो रोज रात को मैं करती हूँ। किस चीता से बात करिए? तुमसे रात में बात करने से बेहतर हम सल्फास का गोली चाट के मर जाए इससे बात करेंगे। हम पापी गुड़िया है वो इससे बात करेंगे। क्या है? जहाँ सबसे ज्यादा पानी टपक रहा है वहाँ बाल्टी रख लो राहत मिलेगी। ओके ए निठल ले। बाल्टी कहाँ मिलेगी री? संतु जी संतु जी बदनाम मेरे भाई बदनाम तू ही है। मुझे हेल्प हेल्प चाहिए हेल्प चाहिए। अबे बिल्ले भोग क्यों रहा है? ये ले बदनाम इस से चाय पी। बाल्टी मुझे खरीदनी पड़ेगी। मां मां माँ, 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 आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि बेटा कहीं भी हो उसकी मन की बात माँ कहीं भी हो सुन ही लेती है। माँ
माँ ये बेटा और माँ का कनेक्शन है। मैंने बाल्टी मांगी थी, आपने मटका लाया। मटका और बाल्टी सेम सेम, प्रॉब्लम तो सॉल्व होता है ना माँ। बस माँ ये मटका मुझे दे दो माँ प्लीज। थैंक यू माँ। मिल गया मटका। बेटी की पुकार सुन ली माँ ने। एक सेकंड पुष्पा जी, आप थाने में मटका लेकर क्यों आई हैं? हाँ वो भी एकदम ऐसा रंगोली लगा हुआ। पुष्पा जी का वो सब ठीक है ना? हाँ समझ गई, रिटायर होने वाली है ना, तो मटके पे रंगोली करेंगे और आगे का गुजारा चलाएंगे। अब चुप करो तुम दोनों। गिरगिट कहाँ है? हैं? कौन बिलौटा? तो गया अभी बाहर है क्या? देखी नहीं क्या आप उसको? अरे हम बिल्लू की नहीं बात कर रहे हैं, हम हमारे पिछले जन्म के उन दुष्कर्मों की सजा के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें इस जन्म में बहू के रूप में मिली है। करिश्मा सिंह कहाँ है वो? तो गिरगिट क्यों बोल रही है? आपके हिसाब से तो वो नागिन है ना? हाँ। अरे सिर्फ नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन है वो। और हमें तो पूरा यकीन है, जब हम हमारे लल्ला के साथ अकेले में बतियाते हैं ना, वो दीवार में चढ़कर छिपकली की तरह हमारी बातें सुनती है। कहाँ है वो बताओ कहाँ है? कौन? छिपकली गिरगिट की नागिन? माँ मुझे मटका दे दो माँ। रख रख इधर रख। देना मेरा बिल्ली निवास। वो कुछ भी हो सकती है, वो डायन है डायन। और आज जो हमने देखा ना, हमको तो पूरा यकीन हो गया है ये जो हमारी डायन बहू है ना, वो काला जादू भी करती है। बाप रे, हमारा तारीफ हो रहा है। एक मिनट, दो घंटा लेट आई हैं आप, कहाँ थी? अरे 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 देखो तो, जो खुद बहरूपनी बनकर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही थी, वो हमसे पूछ रही है कि हम कहाँ थे। शिवजी देख रहे हैं आप, हम आपसे पूछते हैं शिवजी, उस वक्त आप कहाँ थे जब हमारा लल्ला इनके सम्मोहन में पढ़कर उनकी मांग में सिंदूर भर रहा था? उस वक्त आप कहाँ थे जब ये विनाश, जब ये पाप हमारी हद्दी खेलती जिंदगी में ऐसे कदम रख रहा था? क्यों क्यों नहीं बताया? जानते हैं आप ये प्रपंच काहे कर रही है, क्योंकि हमने इन्हें कहा था कि अगर आज ये थाने में लेट आएंगी तो हम इनसे उठक बैठक कराएंगे, इसलिए ये बचने के लिए सब कर रही है। लेकिन दो घंटा लेट आई हैं आप, तो उठक बैठक तो आपको दो घंटा करना पड़ेगा, समझ गए? दो घंटे? हाँ हम लगाएंगे उठक बैठक, मगर जाओ जाओ पहले उससे उठक बैठक लगवाओ जो आज खुद लेट आया है। किसका बात कर रही है, क्या बकैती चल रहा है? अरे आप, आप और कौन? आप ही तो लेट आई ना। हम लेट आए हैं? अरे तो और कौन लेट आया? कौन था वहाँ ऐसे शूटिंग में ठुमके लगा रहा था? वहाँ कैसे कैसे ऐसे? बाप रे बाप। सुनो सुनो संतू, डॉक्टर को फोन लगाओ, इनका दिमाग चिरमिरा गया है। गोलगप्पों ने जो है कल्पनाओं का रूप ले लिया है, और दही पापड़ी ने जो है दृष्टि भ्रम बनाना शुरू कर दिया है। जल्दी से बुलाइए डॉक्टर को, इनको ठीक करवाना बहुत जरूरी हो गया, कुछ अलग ही लेवल चल रहा है आज इनका। बाप रे, माँ पागल हो गई। पता था, हमें पता था जब हम ऐसा कहेंगे ना तो आप हमें पागल साबित करने की कोशिश करेंगे, मगर हम आपकी ये कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। साबित करके रहेंगे कि वो आप ही थी। कौन? अरे वो वहां ऐसे शूटिंग में मटका लेकर कौन चल रहा? कैसी एक क्यों करती है माँ ये? किसका बात कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? हम साबित करेंगे। रुकिए, बताओ कब आई ये बताओ। नहीं करिश्मा मैडम टाइम पर आई थी, 9:20 पर। और तब से यहीं पर हैं। हाँ झूठ 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 बोल रहे हो तुम दोनों, डरा धमका कर झूठ बुलवा रही है आपसे। हाँ नहीं नहीं, मगर हम साबित करके रहेंगे कि ये यहाँ नहीं थी, वो वहाँ थी। कौन कहाँ थी, कौन किसका बात कर रही है आप? समझ में नहीं आ रहा हमको। अरे आप वहाँ थी ना शूटिंग में, ऐसे उल्लाला कर रही थी। हाँ ठीक है, तुम कोई भी यहाँ पर विश्वास नहीं कर रहा ना, मगर हमारा लल्ला अपनी अम्मा पर जरूर भरोसा करेगा। अभी लल्ला को फोन करके सब कुछ बता देंगे। हमारा लल्ला, हेलो लल्ला, लल्ला हम बात जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है, काम अच्छा चल रहा है आपका? अरे नहीं वो ठीक है, वो राजमा चावल खा लेती है, पता ना गैस बन जाता है, फिर सर में चढ़ जाता है, फिर बर आ जाती है, कुछ भी कहानियाँ कुछ भी कर रही है, वो ठीक है। हम है ना आपकी अम्मा के, हम ख्याल रखेंगे उनका, संपूर्ण रूप से ख्याल रखेंगे, वो सब ठीक है जी। हाँ जानते हैं तुम, वो तो किस बात की चिंता? जी वही अम्मा से बात करें। हाँ लीजिए, बता दीजिए उनको बर्तन मटका फटका। हाँ बताएंगे, डरते नहीं हम किसी से। हेलो लल्ला, हम अम्मा बात कर रहे हैं। हेलो माँ काट दिया है। ए प्रभु, प्रभु देखा आपने कैसी प्रपंची बहू मिली हमें, हाथ के हाथ चाली चलती है,
घुमा देना हमारे लल्ला की बुद्धि, और वो क्या खाक अपनी अम्मा पर भरोसा करेगा? नहीं, जिस संसार में सत्य का कोई मोल नहीं, हमें उस संसार में जीना ही नहीं है। अरे माँ कसम रे। हाँ। क्या लगता है चीते, पुष्पा जी क्यों ऐसे बिहेव कर रही है? वो संतू जी आप तो जानती ही हैं, पुष्पा जी एकदम चलती फिरती ज्वार भाटा है भाई, कब उठ जाती है कब गिर जाती है किसी को कुछ पता नहीं चलता है। वैसे करिश्मा मैडम का बात ना बिल्कुल सही है, इतना ज्यादा गोलगप्पा खाती हैं, गोलगप्पा से क्या होता है गैस होता है, गैस कब दिमाग पर चढ़ जाए उसके बाद से फिर उनका वही अजीबोगरीब कल्पनाएं शुरू। एक सेकंड, अगर पुष्पा जी सही हुई तो? अरे कैसे सही हो जाएंगे संतू जी, क्या बात कर रही हैं आप भी, हम लोग के सामने करिश्मा मैडम आई थी ना। आज जब से वो थाना में आई तो उसके बाद से वो कहीं गई थी क्या? ये तो संभव नहीं है ना संतू जी, एक आदमी दो दो जगह पे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मैं नहीं हूँ, यहाँ भी हूँ वहाँ भी हूँ। आप यहाँ पर कहाँ हैं संतू जी बताइए? क्यों तेरे दिल में नहीं हूँ? तू नहीं कहता मुझे कि जब मैं तेरे आसपास नहीं होती हूँ तब भी तुझे ऐसा ही लगता है कि तेरे आसपास ही हूँ मैं? संतू जी देखिए, इतना ज्यादा जब मेहरबान हो ही गई है तो वो दीजिए ना। क्या? वही जो जूही चावला दी थी आमिर खान को कयामत से कयामत ने। किस? आंखें बंद कर। हम आंख बंद किए हैं, फील कर रहे हैं। दीजिए किस? दीजिए। मिला? कील हो गया, कील हो गया, कील हो गया, दिल में कील लग गया संतू जी। हमको ठीक ऐसा प्रतीत हुआ ना कि आप हमारे बगल में खड़ी हैं, अपना होठ हमारे पास ले ले क्या पापा? गाल पे क्या लगा दिया, सब खट्टा खट्टा लग रहा है। हमको चमगादड़ चाट गया, आदमखोर बिस्को पड़ा खा गया हमको, कहे नरभक्षी निशाचर प्राणी। अरे राक्षसों के देवता क्या कर दिया तुम? तुमने बोला ना किस किस करो तो किस करो। हमारा मति मारा गया था, हमारे सर पर काल तांडव कर रहा था कि हम तुमको बोलेंगे हमको किस दो। चीते तू मुझे बोल रहा है? नहीं सर जी, आपको नहीं कह रहे संतू जी, ये बिलावटा हमको किस कर लिया? पता नहीं हमारे गाल पर अपना मुंह लगा कितना केजी खून हमारा चूस गया, हमको प्लास्टिक सर्जरी करवाना पड़ेगा संतू जी। एक मिनट, तुम अंदर जा, अंदर जा, बाहर किसी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वहाँ चिक 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 टिप 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 पानी बरस रहा है, तो यहाँ सोने के लिए आ गया। सोने के लिए आ गया, तू उसी के लायक है, उसी के भाग। संतू जी चलता फिरता राक्षस जानवर रखे हम लोग थाना में, हमारे हाथ से किसी दिन मर्डर हो जाए तो हमको दोष मत दीजिएगा। अम्मा जल्दी कीजिए, टाइम हो गया है। अब सब प्रभु की जल तरंग। कौन सा मोहल्ले के नाटक में कौन सा भूमिका निभा रही हैं अब अम्मा? हाँ, ये क्या खुलिया बनाया आपने अपना? हम सन्यास ले रहे हैं पुत्री। का? हम तंग आ गए हैं तुम्हारे इस सांसारिक झमेलों से, सब मोह माया भंग, अब बस सब प्रभु की जल तरंग। देखिए ऐसा है, हमारा बात सुनो। देखिए अम्मा क्या होता था? अरे एक मिनट, हर चीज का समय होता है, क्या कर रही हैं आप? ड्यूटी पर जाना है, हम लेट हो रहे हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर ये स्वांग त्याग कर अगर आप यहाँ नहीं आई तो फिर आपको छोड़कर जाएंगे, और इस बार जब आप थाना आएंगी ना तो मैया कसम आपको उठक बैठक नहीं लगवाएंगे, हम आपका ट्रांसफर ऑर्डर आपके हाथ में थमा देंगे, ठीक है? और इस बार ऐसा जगह ट्रांसफर करेंगे ना जब आपको खाने को धतूरा और बजाने को सिर्फ एक तारा मिलेगा, समझिए आप? 5 मिनट है, जाइए जाइए, तैयार होकर आइए। यू ट्रांसफर ऑर्डर से हमें मत डराओ पुत्री, हम इन धमकियों से बहुत आगे निकल चुके हैं। जिस संसार में सत्य का कोई मोल नहीं है, उस संसार में जीने का क्या लाभ? अब हम सीधे हरिद्वार प्रस्थान कर जाएंगे और फिर वहीं गंगा में डुबकी लगाएंगे। क्या सत्य सत्य आप क्या बात कर रही हैं? कल से हम पे असत्य का आरोप लगा रही हैं। कौन सा सत्य बोल दिया हमने आपसे, हमको समझ में नहीं आ रहा। कल तुमने ये नहीं कहा कि तुम उस चलचित्र की शूटिंग में नहीं थी? फिर से वही बात, नहीं हम नहीं थे। और तुमने ये भी नहीं कहा था कि उस
चलचित्र के हीरो के साथ ठुमके लगाकर नाचने वाली तुम नहीं थी? अरे अम्मा, आज तक हम किसी रिश्तेदार की शादी में नहीं नाचे, कौन सा हीरो के साथ, कहाँ शूटिंग वूटिंग पे हम डांस करेंगे? हाँ झूठ 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 झूठ। अरे कितना झूठ बोलोगी पुत्री तुम, हम कितनी बार कहे कि हमने अपनी आंखों से, इन्हीं दो आंखों से तुमको वहां ऐसे नाचते हुए देखा है। और हम भी कितनी बार कहे कि हम वहां नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे, ऐसे ऐसे नहीं नाच रहे थे हम। अरे तुम नहीं थी तो और कौन था पुत्री? हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं। अब ये मत कहना कि वो तुम्हारी जुड़वा बहन थी। कौशल्या, अब ये मत कहना कि वो तुम्हारी जुड़वा बहन थी। कौशल्या? पुष्पा? नहीं 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 नहीं, वो कौशल्या ही होगी, उसका फिल्मी नाम करीना है, उसी को ही आपने शूटिंग में देखा होगा, वही नाच गाना कर रही होगी। और इसलिए आपको हमारी तरह लग रही है क्योंकि वो बिल्कुल हूबहू हमारी तरह ही दिखती है, वो हमारी जुड़वा बहन है। बहुत बढ़िया, नहीं मतलब एकदम ही बहुत ही बढ़िया, हमारे मुंह से जुड़वा शब्द क्या निकल गया, आपने उसी का बहाना बनाकर हमारे माथे पे चिपका दिया। आगे की कहानी हम बताएं, फिर आप ये भी तो कहोगी कि वो बचपन में ही घर छोड़ के भाग गई थी, इसीलिए फिर हमने आपसे कभी उसका जिक्र ही नहीं किया। ऐसा ही हुआ था, बचपन में नहीं भागी थी लेकिन उसको हीरोइन बनना था तो वो घर छोड़ के भाग गई थी। और ये भी बताओगी कि वो सारे गहने लेकर भाग गई थी, इसलिए हमने और हमारे पूरे परिवार ने आज तक उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखा। बोली बोली बोली। हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था। अरे जाओ जाओ, हम नहीं आएंगे, तो हम नहीं आएंगे तुम्हारे इस प्रपंच में, समझ गई ना? ये जुड़वा बच्चों वाली कहानी किसी और को सुनाओ। तो ये तुम हो? यस करी अम्मा, ये मैं है, तुम्हारा प्यारा लविंग यंगर सिस्टर कौशल्या, नाउ करीना। ऑडियंस शॉक्ड, फ्रेम फ्रीज, कट इट। तुम यहां क्या कर रही हो? रॉन्ग क्वेश्चन, ये पूछो मैं यहां क्या करने को आया, मैं तुम्हारे साथ यहां रहने को आया करी अम्मा।